अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार तीसरे दिन मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी दलों का विरोध जारी रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में दोपहर बाद कार्यवाही फिर शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके और जनता दल यूनाइटेड सहित विपक्षी दल अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गए और पोस्टर लगाते हुए नारे लगाने लगे। वे मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दल चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे। इसके बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा तो सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। 3 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर सदन से निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने सदन छोड़ने से इनकार कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। संसद में गतिरोध की स्थिति के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में सभापति ने सदन सुचारू संचालन के लिए उनका सहयोग मांगा। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग से बैठक की। भाजपा ने मणिपुर मुद्दे पर संसद में बहस शुरू नहीं करने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में विपक्षी सदस्यों से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में बार बार कुछ तथ्य सामने लाने की बात कही है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता है कि उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों के महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध पर उत्तर देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऋण पुनर्भुगतान के मुद्दे को संवेदनशीलता और मानवीय भावना के साथ निपटाएं। आज लोकसभा में उन्होंने कहा कि कुछ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण पुनर्भुगतान के मामले में कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक की सलाह से ऐसे मामलों को मानवीय आधार पर निपटाने के बारे में बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। खान मंत्रालय भू विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ये पुरस्कार प्रदान करता है। 2 महिलाओं सहित 22 भू वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भू विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इन विषयों को पब्लिक गुड जियो साइंसेज कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में कर दरों में वृद्धि के बिना भी कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने नई दिल्ली में आज 164वें आयकर दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कर संग्रह प्रणाली में दक्षता ने मजबूत कर संग्रहण में सहायता की है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक होती जा रही है। उन्होंने कहा कि आयकर को लोगों के अनुकूल बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र परिसर का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना को लगभग 2,700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। लगभग 123 एकड़ क्षेत्र के साथ ये कॉम्प्लेक्स भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसमें सम्मेलन केंद्र, प्रदर्शनी हॉल और एमपी थियेटर सहित कई अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। मौसम विभाग ने केरल और तटीय कर्नाटक में अत्यधिक तेज वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश, कोंकण और गोवा में अगले 3 से 4 दिनों तक बहुत अधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक के लिए पश्चिम तटीय इलाकों में बहुत अधिक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रुका हुआ है। भारत ने पहले पारी में 438 रन और दूसरी पारी में 181 रन बनाकर पारी घोषित की। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 2 विकेट पर 76 रन बना चुकी है। इस सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।